हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट टी वाई बी कॉम सब सेमेस्टर सिक्स सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आज हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स का पेपर जो है वो किस तरीके से पूछा गया था कौन से चैप्टर्स पे कौन से चैप्टर्स को ऑप्शन में पूछा गया था तो उस तरीके से कैसी हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए सारी चीजें आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं एंड हम हर एक चैप्टर के रिविजन के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं तो अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें बिकॉज आपको आने वाले टाइम में काफी सारे वीडियोस रिविजन के मिलते रहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्वेश्चन नंबर वन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स वो आज हम डिस्कस करेंगे ही क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर वन भी पूरा ऑब्जेक्टिव के ऊपर है मल्टीपल चॉइस एंड आपको ट्रू और फॉल्स पूछा गया है तो ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस और मैच द फॉलोइंग भी पूछे या ट्रू और फॉल्स भी पूछे कुछ भी पूछ सकते हैं ये कोई भी कंफर्मेशन नहीं है बिकॉज यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं किया है कि क्या पूछ सकते हैं तो एनीथिंग दे कैन आस्क क्वेश्चन नंबर टू जो है क्वेश्चन नंबर टू आपको यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर टू रिलेटेड विद अमालगमेशन एंड ये अमालगमेशन जो है दैट इज फॉर ट्वेंटी मार्क्स तो अमालगमेशन क्वेश्चन नंबर टू में पूछा था ट्वेंटी मार्क्स के लिए ट्वेंटी मार्क्स में देखते हैं क्या पूछा है बुक्स ऑफ आकाश लिमिटेड एंड ओपनिंग जर्ल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भानु लिमिटेड मतलब आपको यहाँ पे लेजर पूछा है रियलाइजेशन अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट न्यू कंपनी अकाउंट वैसे सारे लेजर आपको पूछे है हम ये पूरा क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं तो बने रहे लास्ट तक बने रहे ताकि आपको ओवरऑल मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ सारी सारी चीजें समझ में आए और इसको हम ब्रेकअप करके सारी चीजों को पढ़ेंगे सारे पॉइंट्स को रिवाइज करवाऊंगा ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो आपके एग्जाम से रिलेटेड उसके ऑप्शन में अगर हम देखें तो उसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन नंबर टू बी पूछा गया था दैट वाज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस एंड दैट वॉज फॉर टेन मार्क्स तो टेन मार्क्स का फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पूछा था एंड इंपोर्ट के बारे में सम आया था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो वैरायटीज है इस चैप्टर में तो इंपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन था एंड इंपोर्ट के ऊपर टेन मार्क्स का क्वेश्चन था एंड लेट अस सी व्हाट दे हैव आस्ट उन्होंने पूछा है लेजर तो उन्होंने पार्टीज का लेजर पूछा है और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट का भी लेजर वहां पर पूछा है तो टेन मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था अल्टरनेटिव ऑप्शन में दैट वॉज ऑफ फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन 10 मार्क्स अगर आपको नहीं आता है तो आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन फॉरेन करेंसी पे था और जो दूसरा टेन मार्क्स का क्वेश्चन था वो एक छोटा सा चैप्टर है विच इज कॉल्ड लिक्विडेशन का वहां से था मतलब अगर आपको अमल गमेशन यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपको दो चैप्टर के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है एक है एफ ई का चैप्टर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन और एक आपका चैप्टर है सेकेंड जो टॉपिक है दैट इज विथ रिलेटेड विथ लिक्विडेशन ऐसे दो चैप्टर्स यहाँ पे आपके पास मिलेंगे उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर थ्री ए की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थ्री ए आपको पूछा गया है चैप्टर uh, एलएलपी के ऊपर फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन है एंड ये आपको 20 मार्क्स का पूछा गया है तो इसमें आपको काफ़ी ज्यादा पोस्टिंग के भी मार्क्स मिल सकते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स भी यहाँ पे दिए हैं एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर कंसिडरिंग दी अब एडजस्टमेंट दैट मीन्स अगेन ट्वेंटी मार्क्स क्वेश्चन ऑन द चैप्टर ऑफ एल एल पी देन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको दस दस मार्क्स के दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे दस मार्क्स का क्वेश्चन था ऑन द चैप्टर ऑफ अंडर राइटिंग तो हम ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर थ्री सी अगेन आपको यहाँ पे एफ ई एफ का चैप्टर पूछा गया है लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का समाया है वहां पे इंपोर्ट का सम था यहाँ पे एक्सपोर्ट का सम है तो एग्जामिनर ने यहाँ पे दोनों पार्ट कवर कर लिया एक्सपोर्ट भी कवर कर लिया एंड इंपोर्ट आल्सो दे हैव कवर्ड फर्स्ट में अगर हम देखें तो वहां पे आपको लेजर अकाउंट्स पूछे थे और अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में जो क्वेश्चन आया है उसमें आपको जर्नल एंट्रीज पूछे गए है इन द बुक्स ऑफ मानस तो नाम यहाँ पे मानस करके दिया है तो मानस के बुक्स में यहाँ पे आपको जर्ल uh, एंट्री पूछे गए तो क्वेश्चन नंबर टू में भी दस दस मार्क्स के दो क्वेश्चन आए दैट मीन्स इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ टेन मार्क्स क्वेश्चन यू यू कैन गो फॉर डायरेक्टली ट्वेंटी मार्क्स एंड वाइस वर्सा इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल फॉर ट्वेंटी मार्क्स क्वेश्चन देन यू कैन गो फॉर टेन मार्क्स क्वेश्चन ऐसा उन्होंने पूछा है तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर टू और थ्री के बारे में दस दस मार्क्स मतलब बीस मार्क्स के ऑप्शन में दस दस मार्क्स का क्वेश्चन आया है अगर हम क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर में पहला ही क्वेश्चन दस मार्क्स के लिए आया है एंड अगेन ये चैप्टर है लिक्विडेशन का तो लिक्विडेशन चैप्टर के ऊपर आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड यहाँ पे आपको क्या प्रिपेयर करना है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे प्रिपेयर करना है काफी इजी क्वेश्चन था एंड उसके साथ एक क्वेश्चन जो आया है दैट इज अगेन अंडर राइटिंग अंडर राइटिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर बी में मतलब फोर बी और फोर ए पहले दो क्वेश्चन दस दस मार्क्स के है और इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी दस दस मार्क्स के हैं मतलब ओवरऑल ध्यान से बने रहे लास्ट तक बने रहे मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देता हूँ कि किस तरीके से एग्जामिनर ने सारी चीज़ें कवर की है तो स्किप बिल्कुल भी ना करें ध्यान से इन सारी चीज़ों को नोटिस करें बिकॉज पढ़ेंगे तो सभी लोग लेकिन अगर आप ये प्रॉपरली पेपर को एनालाइज करें प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करें तो आपको आइडिया आ जाता है कि एग्जामिनर का पूछने का तरीका क्या है किस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं तो अगर हम 4B की बात करें तो 4B में हमारे पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन 4A में हमारे पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन अगेन वी हैव ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन एंड अगेन वी हैव 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको एल के ऊपर छोटा सा क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पे सिर्फ आपको बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करना है इसके साथ एक जो टेन मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है दिस इज अगेन द चैप्टर ऑफ अमालमेशन एंड अमालगमेशन में भी आपको परचेस कंसिडरेशन का ही सिर्फ कैलकुलेशन करना है तो इसका मतलब एग्जामिनर ने काफी अच्छी तरीके से पेपर को पूछा गया है और सारे चीजों को उसने कवर किया है जैसे अंडर राइटिंग पे आपने देखा होगा दो क्वेश्चन है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन पे आपने देखा होगा दो क्वेश्चन है एल एल पी के ऊपर दो क्वेश्चन है लिक्विडेशन के ऊपर दो क्वेश्चन है एंड अमाल के ऊपर भी दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन कंप्लीट ट्वेंटी मार्क्स का था एंड एक क्वेश्चन आपको परचेज कंसिडरेशन का पूछा गया है तो दिस इज द ओवरऑल पेपर पैटर्न दिस इज द ओवरऑल पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर तो इसमें ऐसी सारी चीज़ें पूछी गई थी तो सिंपल पॉइंट यह है कि आपको एक भी चैप्टर ऑप्शन में नहीं रखना है सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं और सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद फिर आपको एग्जाम में जाने के बाद डिसाइड करना है कि कौन सा चैप्टर हम ऑप्शन में रख सकते हैं या कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इसीलिए बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर आप कोई भी चैप्टर को ऑप्शन में रखते हैं मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाइए सारे के सारे चैप्टर पढ़ के जाइए सारे क्वेश्चन पढ़ के जाइए और अगर सारे आप कंसेप्ट क्लियर आपके होंगे तो एनी क्वेश्चन इफ़ इट इज आस्क इन द पेपर इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व तो अब अभी हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देन अगले वाले सेशन से आपको एक एक चैप्टर का रिवीजन मिलेगा अगले सेशन में हम लोग फॉरेन करेंसी से स्टार्ट करेंगे फॉरेन करेंसी के दो क्वेश्चन है दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एक एक्सपोर्ट एक का क्वेश्चन था एक इंपोर्ट का ताकि आपका दोनों लेवल क्लियर हो जाए दोनों चीजें आपकी रिवाइज हो जाए सिमिलरली हम लोग आगे जाएंगे एंड सिमिलरली हम लोग सारी चीजों को रिवाइज करेंगे तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने का फायदा आपको ही होने वाला है अगले वीडियोज डालूंगा तब आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली बेसिस पे आ जाए तो अस स्टार्ट डिस्कसिंग दी ऑब्जेक्टिव्स देखो ऑब्जेक्टिव एक ऐसा पार्ट है जो बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स थियोरी पे आते हैं अगर आपका थियोरी का जो भी शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस बेसिक्स ऑफ द चैप्टर वो अगर आपके क्लियर होंगे तो आप इजीली ऑब्जेक्टिव्स को आंसर कर पाएंगे फिर भी हम प्रीवियस ईयर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लेते हैं सो दैट अगर यहाँ से कोई घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव्स आपके पेपर में पूछा भी गया तो भी इट विल बी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट दैट तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो लास्ट टाइम पूछा गया था मल्टीपल चॉइस है यहां पे एमसीक्यूज में और आपको टोटल ट्वेल्व एमसीक्यूज आएंगे आपको दस सॉल्व करने हैं फर्स्ट वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932 कंपनीज एक्ट 2013 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2018 देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब पार्टनरशिप तो इसका आंसर है ही नहीं कंपनीज भी इसका आंसर है ही नहीं इसका आंसर तो एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट टू थाउजेंड एट है एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट टू थाउजेंड एट इन दोनों में से है अभी हमको सिंपल चीज याद रखना है जो एल था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप उसका एक्ट बनाया था टू ईयर में तो दो में इसका एक्ट बनाया था तो इसका राइट right आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर

आईपीओ इशू करते हो तो उसके लिए जो अंडर होते हैं अंडर का पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो सेबी ने रेगुलेशन लगा रखा है कि अगर 90% परसेंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन जब तक फुल नहीं होगा तब तक वो लोग इशू नहीं करेंगे अदरवाइज आपको एप्लीकेशन मनी रिफंड करना पड़ेगा तो मैंने आपको ऑलरेडी आंसर बता दिया 40%, 75%, 60% फाइव परसेंट सिक्सटी और राइट आंसर है आपको 90%. देखो ऐसा नहीं होगा कि यही ऑब्जेक्टिव रिपीट होंगे लेकिन ये ऑब्जेक्टिव की वजह से आपके चैप्टर के बेसिक जो है वो क्लियर हो पाएंगे और इससे रिलेटेड अगर कोई शॉर्ट नोट बनता है इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरी चीज़ें बनती है है ट्रू ऑल फॉल्स आता तो वो आपके राइट right होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट में महेश लिमिटेड इशूड शेयर्स एट अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज हंड्रेड प्रीमियम ऑफ रुपीज टेन पर शेयर द अंडर राइटिंग कमीशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन एट्टी नाइन्टी हंड्रेड एंड टेन और हंड्रेड देखो जब भी अंडर राइटिंग कमीशन कैलकुलेट होता है वो अंडर राइटिंग कमीशन पूरे टोटल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है मतलब कि फेस वैल्यू का जो वैल्यू रहेगा और प्रीमियम का जो वैल्यू रहेगा वो दोनों वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं तो फेस वैल्यू कितना है यहाँ पे आपका हंड्रेड प्रीमियम का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे टेन तो आपका टोटल वैल्यू कितना बन जाएगा एक सौ दस तो एक सौ दस विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर थ्री में आपका राइट आंसर है 110 नेक्स्ट जो पॉइंट आया था दट इज रेट ऑफ एक्सचेंज एट द बैलेंस शीट डेट इज कॉल्ड तो ये आया था आपके फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में से तो फॉरेन करेंसी जो ट्रांजेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन विच इज कॉल्ड एज एफ रेट ऑफ एक्सचेंज एट द बैलेंस शीट डेट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट क्लोजिंग रेट रिपोर्टिंग रेट मॉनिटरी रेट तो राइट आंसर इसका है क्लोजिंग रेट क्लोजिंग रेट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज एट द बैलेंस शीट डेट बैलेंस शीट क्लोजिंग पे बनता है इसलिए क्लोजिंग रेट आपको याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट ये एक लिमिट का पॉइंट है तो आपको इसमें अमाउंट याद रखना पड़ेगा ऑडिट रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज ओनली वेन द कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स रुपीज ट्वेंटी फाइव लैक्स और द टर्न ओवर एक्सीड्स रुपीज फोर्टी लैक्स ट्वेंटी फाइव लैक्स टू क्रोर्स या टेन क्रोरस तो याद रखना है जब भी आपका टर्न ओवर जो है वो चालीस लाख से ऊपर रहेगा और अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ट्वेंटी फाइव लाख से ऊपर रहेगा दोनों में से कुछ भी एक चलेगा दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन Exceeds rupees 25 lakhs and turnover exceeds rupees 40 lakhs, then audit is compulsory. Next is question number six: assets specific specifically pledged are placed in Dash. टू द स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर्स तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं लिस्ट डी लिस्ट सी लिस्ट बी लिस्ट ई e. मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं ऑलरेडी एम सी क्यूज के ऊपर तो वो भी आप चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट में आपको सारे एम सी क्यूज मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे बिकॉज एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एम सी क्यूज का तो अगर आप चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं तो इसका राइट right आंसर आपका बनेगा लिस्ट बी तो लिस्ट बी जो है दैट इज रिलेटेड विद अ सेट स्पेसिफिकली प्लेच तो ये पॉइंट्स थोड़े याद रखने पड़ेंगे आपको पॉइंट नंबर सेवन है डैश इज यूज इन प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिटकॉइन करेंसी फॉरेन करेंसी रिपोर्टिंग करेंसी या डिजिटल करेंसी तो इसमें जो पॉइंट पूछा गया है उन्होंने बोला है कि डैश इज यूज इन प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इनमें से क्या यूज होता है तो राइट right आंसर इसका है रिपोर्टिंग करेंसी रिपोर्टिंग करेंसी यूज होता है इन केस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज अगेन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ लिक्विडेशन डैश इज नॉट अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का डेफिनेशन देखो अभी यहां से यहां से ऑब्जेक्टिव्स तो आपका क्लियर हो ही जाएगा लेकिन से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने शॉर्ट नोट्स में कहीं पे पूछ लिया कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो इट बिकम्स इजी फॉर यू इफ यू आर नोइंग द कंसेप्ट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो क्वेश्चन नंबर कहता है डैश इज नॉट अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इनमें से कौन सा नहीं है एक्सपेंसेस इन इन्वेस्टिगेशन सैलरीज एंड वेजेस गवर्नमेंट ड्यूज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर राइट आंसर आपका बनेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ये आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है बाकी ये जितने भी पॉइंट्स है एक्सपेंसिस इन इन्वेस्टिगेशन सैलरीज एंड वेजेस एंड गवर्नमेंट ड्यूज ये सारे आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है नेक्स्ट है अमाल चैप्टर में से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा गया है तो अकाउंटिंग फॉर अमाल इज गवर्न बाय डैश ए एस टू ए एस नाइन ए एस इलेवन एंड ए एस फोर्टीन तो सिंपल पॉइंट है इसका ए एस फोर्टीन याद रखे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फोर्टीन है दैट इज बीन रिलेटेड विद अमालमेशन हो सकता है इसको ट्रूअल फॉल्स में पूछे कहीं पूछे या फिर आप इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थियोरी लिखने में भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन जो आया है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अंडर राइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स बियरिंग द स्टैंप विद द रेस्पेक्टिव अंडर राइटर आर कॉल्ड एज काफी सिंपल है आई थिंक आप सभी को इसका आंसर आता होगा ई एस ओ पी एप्लीकेशन अनमार्क एप्लीकेशन प्रोपराइटरी एप्लीकेशन या मार्क एप्लीकेशन जिसके ऊपर अंडर राइटर का स्टैम्प है उसको हम लोग कौन सा एप्लीकेशन कहते हैं उसको हम लोग मार्क एप्लीकेशन कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज मार्क एप्लीकेशन अनमार्क एप्लीकेशन नहीं कहते अनमार्क एप्लीकेशन मतलब ऐसा एप्लीकेशन जिसके ऊपर किसी का भी स्टैम्प नहीं होता दैट इज कॉल्ड अनमार्क एंड मार्क अगर रहेगा तो दैट इज कॉल्ड मार्क एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर इलेवन कहता है इफ द बिजनेस ऑफ एन कंपनी मॉडर्न लिमिटेड लिमिटेड इज इज टेकन ओवर बाय द कंपनी अल्ट्रा मॉडर्न इट कॉल्ड नंबर फर्स्ट लिमिटेडिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है एब्जॉर्प्शन अमाल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो काफी सिंपल कंसेप्ट याद रखे जब एक कंपनी समझो ए लिमिटेड जो है ए लिमिटेड क्या कर रहा है बी लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड के बिजनेस को कर रहा है ए लिमिटेड बी लिमिटेड के बिजनेस को एक्वायर कर रहा है टेक ओवर कर रहा है या फिर इसको एक कंसेप्ट के बेसिस दोनों मिल के समझो ये दोनों मिल गए और एक कंपनी फॉर्मड हुआ दैट इज कॉल्ड ए बी लिमिटेड तो इसमें क्या हो गया इसमें दो ओल्ड कंपनी और एक न्यू कंपनी हमारे पास है एंड दैट इज कॉल्ड एज मर्जर तो अभी हमारा राइट right आंसर बनेगा एब्जॉर्न अब पर्सन

बाकी के भी सारी चीज़ें जो है वो पढ़ पाएंगे थियोरी भी हम लोग कर पाएंगे तो चलो अब एक एक करके ट्रू और फॉल्स को डिस्कस करते हैं तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है और आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूले अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम से पहले रिवाइज हो जाए और लास्ट मिनट रिविजन का ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे पेपर्स आपको वहाँ पर फ्री में मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के तो आपको वहाँ से भी कुछ बेनिफिट आपको मिल पाएगा

फॉल्स तो फर्स्ट आपका जो ट्रू और फॉल्स है वो फॉल्स है अंडर राइटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ होम अंडर राइटिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अंडर राइटर्स खुद सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ये भी आंसर आपका बनेगा फॉल्स वेन ऑल दी शेयर्स आर अंडर रिटन बाय द अंडर राइटर्स इट इज कॉल्ड एज इट इज़ कॉल्ड एज पार्शियल अंडर राइटिंग देखो नाम में ही ये सारे अगर अंडर राइटर्स लेंगे तो वो पार्शल अंडर राइटिंग नहीं होता है फुल अंडर राइटिंग का कंसेप्ट बन जाएगा तो इसका भी आपका आंसर बनेगा फॉल्स तो ये भी आपका फॉल्स है नंबर फोर्थ जो पॉइंट है डेटर्स बिल्स रिसीवेबल एंड कैश आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मॉनिटरी आइटम्स बिल्कुल भी नहीं ये तो एग्जाम्पल्स मॉनिटरी आइटम्स के हैं तो ये भी आपका ट्रूअल फॉल्स बनेगा फॉल्स

ऑफ कंपनी लिस्ट एच इंडिकेट सरप्लस डेफिसिट यस इट इंडिकेट सरप्लस डेफिसिट लेकिन ये जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप इसमें कुछ भी ट्रोअल फॉल्स लिखेंगे राइट right आंसर है ट्रू क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन सेटलमेंट डेट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट नो इट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग रेट या एवरेज रेट इट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग रेट तो ये एवरेज रेट बोल रहा है मतलब इसका एंसर है फॉल्स नेक्स्ट पॉइंट इन अमालगमेशन गमेशन असेट जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह होता है दैट इज कॉल्ड फिक्टीशियस असेट्स शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट टू क्लोज द ट्रांसफर कंपनीज अकाउंट बिल्कुल भी सही नहीं है फिक्टीशियज असेट जो होता है वो हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते वो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करते हैं देखो कितना डीप में पूछा है अगर आपको अमाल के बेसिक क्लियर है तो आप इसको आंसर कर पाएंगे अगर आपके अमाल के बेसिक ही क्लियर नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा तो इन

तो इन्होंने कहा है कि अमाल गमेशन का मेथड है हाँ बिल्कुल सही अमाल गमेशन का ही मेथड है तो इसका आंसर है ट्रू इसके पहले जो था मैंने लिखा नहीं है इसका आंसर है फॉल्स मैंने आपको बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स बट ये आपका आंसर बन जाएगा फॉल्स ठीक है नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द कमीशन पेएबल टू द अंडर फॉर अंडर ऑफ द शेयर्स शुड नॉट एक्सीड फाइव परसेंट बिल्कुल भी सही है कि जो अमल जो इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट बोल रहा है कमीशन पेबल अंडर राइटर का चैप्टर का है तो उसका जो अंडर राइटर का कमीशन रहेगा वो आपका फाइव परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो राइट right आंसर है इसका आंसर है ट्रू नंबर टेन एल एल पी शुड हैव मिनिमम फिफ्टी पार्टनर्स नो ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है मिनिमम फिफ्टी पार्टनर्स के लिए तो इसका राइट आंसर बनेगा फॉल्स तो एल एल पी शुड है फिफ्टी पार्टनर्स मिनिमम फिफ्टी पार्टनर्स की जरूरत नहीं है दो पार्टनर से भी आप एल एल पी में जा सकते हैं नंबर ग्यारह ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स शुड बी सेटल्ड बिफोर द पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स देखो लिक्विडेशन का जो चैप्टर है उसमें ना हर एक का सीक्वेंस है पहले किसको पेमेंट करना है फिर किसको पेमेंट करना है फिर उसके बाद किसको पेमेंट करना है ये सारा कुछ आपको याद रखना पड़ेगा तो उसमें सबसे पहले जो हमारा पेमेंट होता है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को होता है और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद पेमेंट होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट होता है उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पहला पेमेंट फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दूसरा पेमेंट तो ये सही बोल रहा है तो इसका राइट आंसर बनेगा ट्रू इन्वेंट्री इज टर्म्ब एज नॉन मॉनिटरी आइटम तो इन्वेंट्री इज नथिंग बट स्टॉक तो जो स्टॉक है दैट इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम यस इट इज नॉन मॉनिटरी आइटम तो इसका आंसर बनेगा ट्रू तो हमने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को डिटेल में डिस्कशन कर लिया है ट्रू ऑल फॉल्स के साथ हमने एम सी की उसको भी डिस्कस कर लिया है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है दैट मीन्स यू आर सीरियस अबाउट योर एग्जामिनेशन एंड अगले सेशन में हम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन चैप्टर को रिवाइज करेंगे सारे बेसिक्स को रिवाइज करवाऊंगा और ये जो पेपर में दो क्वेश्चन की आए थे वो भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे सो so दैट आपके फॉरन करेंसी के पॉइंट्स को क्लियर हो पाए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें करे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज इसी तरीके के लास्ट मिनट रिवीजन रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच बाय